पहले वो कुछ और करे चाहिए। बचना नहीं चाहिए। तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात से पकड़ना मुश्किल, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। तो आपको पता है कि आखिर कौन होगी डॉन 3 की लीड एक्ट्रेस और कब होगा मूवी का ट्रेलर रिलीज? क्या फाइनलाइज हुई है मूवी की रिलीज डेट? आपको सभी सवालों का जवाब जल्द मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्ते एंड सलाम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो अब बात करते हैं उसकी कास्टिंग की। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग अभी पूरी तरह से डिसाइडेड तो नहीं है, मगर लीड रोल तो शाहरुख खान का ही होगा ना। आखिर उनसे बेहतर अब इस रोल को कौन निभा सकता है? इससे पहले डॉन के फर्स्ट और दूसरे पार्ट में भी उन्होंने ही लीड किरदार निभाया था और ऑडियंस को उनका रोल और उनके डायलॉग बेहद पसंद आए थे। आज भी ऑडियंस उनके रोल की तारीफ करती है। इससे पहले 90s के डॉन में लीड अमिताभ बच्चन थे और उसके बाद 2006 में एक और डॉन आई जिसमें शाहरुख खान ने रोल किया और लोगों ने उस मूवी को और उनके रोल को इतना पसंद किया कि 2011 में उसका सीक्वल डॉन 2 भी रिलीज हो गई और दोबारा उस मूवी को काफी ज्यादा प्यार मिला। तो अब काफी समय से डॉन 3 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो दोनों ही सीक्वल में प्रियंका चोपड़ा लीड एक्ट्रेस थी जो कि एक बहादुर कॉप का किरदार निभाते हुए नजर आई हैं। प्रियंका और शाहरुख की इस मूवी में प्यारी सी टकरार दर्शकों को काफी पसंद आई थी, मगर इस बार प्रियंका इस मूवी में नजर नहीं आने वाली है। अब ये बात तो आपके लिए दुख भरी हो सकती है। अब इस बात का खुलासा फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, डॉन 3 की शूटिंग दुबई और अबू धाबी में होने वाली है और शूटिंग 2019 में शुरू होगी। मूवी में लीडिंग लेडी का किरदार अभी एक नई एक्ट्रेस करेंगी। इससे ये बात तो साफ है कि प्रियंका इस फिल्म की थर्ड फ्रेंचाइज में नजर नहीं आने वाली है। अभी कुछ समय पहले की बात करें तो कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण को फिल्म की लीड एक्ट्रेस का किरदार देने की बात की जा रही थी, मगर ये बात भी फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने क्लियर करते हुए लिखा, दीपिका डॉन 3 का पार्ट नहीं होंगी। अब फरहान अख्तर भी मूवी में कॉप का रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। फरहान एक्टर और डायरेक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सिंगर भी है। हालांकि फरहान का इस फिल्म में होने को क्लेम को फरहान ने क्लियर करते हुए कहा कि उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो डॉन 3 के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उसे न्यूज बना रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। फिल्म के बारे में गलत न्यूज और फैंस को गलत एक्सपेक्टेशंस को देना सही नहीं है। अब मूवी में वो होंगे या नहीं तो मूवी को किसी कन्फर्मेशन या टीजर आने पर ही पता चलेगा। तब तक फैंस बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं, मगर हम आपको वेट नहीं कराएंगे। जल्दी मिलेंगे हमारी नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों हमारे आज के राइटर हैं अखिल डांगवार। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए।